एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज ना मैं बहुत दिनों के बाद ड्यूटी जाते समय आप लोगों का वेलकम कर रही हूँ। बाबू स्कूल जाता है, उसके बाद मैं तैयार होती हूँ ड्यूटी के लिए, तो थोड़ा लेट तो मुझे हो ही जाता है। चलिए चलते हैं। और हस्बैंड अभी भी बीमार हैं तो मैं रिक्शे से जाऊँगी। देखिए, मैं नाश्ता कर रही हूँ और पहले मैं कीवी खा रही हूँ और फिर उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी। नाश्ते में पराठा सब्जी बना हुआ है, तो पहले मैं कीवी खा लेती हूँ फिर खाऊँगी। और ना कीवी खाने के थोड़ी देर बाद खाती मैं, पर मुझे देर हो रही थी तो मैंने सब कुछ जल्दी जल्दी से खा लिया और बस खा कर उसके बाद मैं ड्यूटी के लिए निकलूँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, फुल वॉच करिएगा। और देखिए, मैं नाश्ता करते जा रही हूँ और मैं टीवी देखते जा रही हूँ। इस समय बिल्कुल भी टीवी देखने का टाइम नहीं मिलता है। नहीं, मैं पहले शाम टाइम से सीरियल के लिए बैठ जाती थी और ज़रूर देखती थी, मेरे कोई भी सीरियल स्किप नहीं होते थे। बट जब से YT पे आई हूँ तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता है, देखती ही नहीं हूँ। तो इतनी टाइम ही थोड़ा सा टीवी देख लेती हूँ। और फ्रेंड्स, देखिए मैं ड्यूटी से आ चुकी थी, उसके बाद मैं ना बाबू को लेने के लिए स्कूल गई थी। और बाबू का स्कूल नदी के पास ही पड़ता है, के नदी के पास, इसलिए बाबू के स्कूल का नाम है सरस्वती शिशु मंदिर केनपत। तो बस मैं उसके स्कूल से आने, उसको स्कूल से लेने के बाद मैं थोड़ा सा नदी के पास चली गई थी क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये देखिए पुल नदी के ऊपर बना हुआ, यहाँ से ट्रेन निकलती है। नदी देखिए कितना अच्छा सा व्यू हो रहा है, बिल्कुल बादल हो रहे हैं, बारिश होने वाली है लग रहा है, तो इसलिए धुंधला सा भी दिख रहा है थोड़ा सा। और देखिए नदी ना कल बढ़ी हुई थी, बट आज ना नदी का पानी कम हो गया है। रात को अचानक बढ़ी थी और आज पानी कम हो गया है, इतना ज़्यादा कि पता लग रहा है पानी था ही नहीं इसमें पहले। देखिए नदी के किनारे बोट खड़ी हुई है ना, बहुत खूबसूरत सा व्यू लग रहा था। हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, मन ही नहीं कर रहा था कि नदी से आए। तो हम लोग वही 10 मिनट रुके होंगे, लेकिन क्योंकि बाबू को स्कूल से लिए थे फिर और मैं ड्यूटी से भी आई थी तो मन नहीं कर रहा था इतने टाइम। कई दिन फ्रेंड्स मैं वहाँ जाऊँगी घूमने के लिए, मैं नहीं मतलब पूरी फैमिली जाएंगे, तब मैं आप लोगों को नदी व्यू अच्छे से दिखाऊँगी। तो चलिए आप लोग देखिए। तो आप लोग एंजॉय करिए और वीडियो को फुल वॉच करिए फ्रेंड्स। और जो न्यू है मेरे चैनल पर, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आप लोगों को। तो और शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, एंजॉय करिए आप लोग। कर लो तो बस अब घर जाएंगे हम लोग। तो मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देती हूँ नदी का व्यू, बहुत खूबसूरत सा हो रहा है। ट्रेन भी निकलती है यहाँ से, तो अभी मैंने दिखाया ना आप लोगों को, देखिए कितना खूबसूरत सा व्यू है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज बारिश भी हो गई है ना, तो मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए मैं आ गई हूँ नदी पर, नहीं तो मैं नहीं आती। अगर धूप होती तो मैं नहीं आती, पर धूप धूप नहीं है आज, बिल्कुल बदली हो रही है, बारिश हो रही थी अभी तक, इसीलिए आज मैं ड्यूटी भी नहीं गई। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर भी दिखा दूँ। तो चलिए, आप काफ़ी देर हो गई हम लोगों को यहाँ पे, अब घर चलते हैं, घर में मिलेंगे आप लोगों से। देखिए फ्रेंड्स, ये शाम का टाइम हो रहा है, शाम का नहीं लगभग 7:30-8 का टाइम हो रहा है
और मैं किचन में डिनर बना रही हूँ। तो डिनर में आज बना है आलू टमाटर की रसेदार सब्जी और रोटी और सेवैयाँ बना रही हूँ मैं आज। मीठे में मन कर रहा है खाने का, मेरे यहाँ सेवैयाँ बहुत ज़्यादा बनती है, आप लोगों ने मेरे वीडियो में देखा भी होगा। तो आज मैं कुछ अलग टाइप से बना रही हूँ, तो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सब्जी रोटी बन चुकी है तो सेवैयाँ बना रही हूँ, तो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, घी डाल दिया है और घी में सेवैयाँ डाल दी है, इसको भून लेंगे अच्छे से। भुनी हुई सेवैयाँ रहती है ये लाल वाली, बट थोड़ा और भूनेंगे अच्छे से, बिल्कुल टाइट सी भून लेंगे ताकि ये घुले नहीं। जब इस तरह टाइट भून लो ना तो घुलती नहीं है और स्वाद भी बहुत बढ़ जाता है, सोंधी सोंधी सी हो जाती है। तो सेवैयाँ भून लेंगे और एक साइड पे ना मैं सीरा बना रही हूँ, सीरा डाल के बनाएंगे और फिर दूध भी डालेंगे बट सीरा बनाएंगे। ये क्वामी सेवैयाँ तो नहीं है बट कुछ कुछ मैंने उसी से रेसिपी ट्राई की है। और देखिए, सीरा बनाने के लिए मैंने पानी ले लिया है, लगभग 1.5 गिलास पानी है, लगभग 100 ग्राम शक्कर होगी और शक्कर डाल देंगे और इसको पका लेंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है, तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ शक्कर घुल जाए इतना ही पकाना है और सेवैयाँ अच्छे से भुन जाएगी। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे और सीरा को एकदम सुखा देंगे। देखिए, सीरा बन चुका है, सेवैयाँ भुन चुकी है तो मैंने डाल दिया है और इसको एकदम सुखा देंगे सीरे को। और उसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे और ये वाली सेवैयाँ दूध बहुत सोखती है, मैंने 1 लीटर दूध डाला था और एकदम प्योर क्रीम वाला दूध था। तो मैं इसमें देखिए सुखा दिया है एकदम और अब मैं इसमें दूध डालूंगी, बट मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही दूध डाला था, पहले आधा दूध डाल दिया था और ये एकदम सूख गया था। बाकी का दूध मैं ठंडा करने के बाद डालूंगी सेवैयाँ, जब सब लोग खाने ही लगेंगे। दूध गर्म रखा है, इलायची डाल दी थी दूध में भी और सेवई में भी, तो इसको रख दिया है। तो बस मैं सेवई बाद में डालूंगी दूध को। तो सेवैयाँ पक चुकी है, देखिए दूध रखा हुआ है बाकी का बचा हुआ और इलायची डाल रही हूँ मैं, और मैंने दूध में भी इलायची डाल दी थी ताकि इलायची कम लग रही थी मुझे सेवैयाँ में, तो मैंने थोड़ी इलायची दूध में भी डाल दी ताकि बाद में डालें तो खुशबू आ जाएगी। तो बस देखिए, सेवैयाँ हमारी, मैंने थोड़ा सा दूध और डाल दिया है और अब रख दूंगी, बाकी ठंडा होने के बाद खाते समय सब लोग डालेंगे। बस डिनर बन गया था, उसके बाद मैं आ गई थी अपने रजिस्टर बनाने के लिए, क्योंकि राशन वितरण होना था कल होना था। तो बस इसीलिए मैं रजिस्टर मेंटेन कर रही हूँ अपने, क्योंकि इसमें साइन करवाना होता है, उसके बाद ही राशन वितरण होता है। तो रजिस्टर बना लूँगी, उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे। रजिस्टर बन चुके थे मेरे और मैं डिनर करने जा रही हूँ, और लगभग सब ने डिनर कर लिया है, ये मेरा है। तो देखिए डिनर में आज हमारे यहाँ क्या बना है। तो फ्रेंड आइए, आप लोग डिनर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में। प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट